फ्रेंड्स, वेलकम टू फजी एंड जैजी किट्टी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बताया गेम पसंद आए या आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा नया अपलोडेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गेम। फ्रेंड्स, आज के गेम के लिए हमें कुछ बैंगल्स की ज़रूरत होगी और यहाँ 9 पीस मैंने डिस्पोजेबल ग्लास लिए हैं, उसकी ज़रूरत होगी। तो करना ये रहेगा कि फ्रेंड्स मेंबर वन बाय वन आएंगे और अपना टर्न कंप्लीट करेंगे, और उनको कोई समय का ये गेम नहीं है, टाइम का गेम नहीं है, बस उनको अपना गेम कंप्लीट करना रहेगा। तो सबसे पहले जैसे किया है कि फ्रेंड्स जब वो खेलना शुरू करेंगे, अपने ग्लास को वो अच्छे से शफल कर लेंगे, ठीक है। अंदर मैंने कुछ लिख रखा है, वो आगे बताऊँगी मैंने क्या लिखा है, वो देखना नहीं है उनको। और उनको ये ग्लास ऐसे करके 9 पीस रख देना है, कैसे भी रख सकते हैं वो। अब क्या करना है, उनको यहाँ से बैंगल लेना है। तो उनको इस किसी भी बैंगल में सबसे पहले किसी भी ग्लास में सबसे पहले उनको एक बैंगल डालना है। ग्लास अच्छे से मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो किसी भी एक ग्लास में उनको एक बैंगल डालना है, किसी दूसरे ग्लास में उनको दो बैंगल डालने हैं, किसी भी और ग्लास में उनको 3 बैंगल डालने हैं। ऐसे कर करके उनको पूरे 9 बैंगल तक कंप्लीट करना है। जैसे 3 डाला मैंने, मैं इसमें 4 डालती हूँ, इसमें मैंने 5 डाला, इसमें मैं 6 डालती हूँ, 3, 6 एंड 7, इसमें मैंने 7 डाला, ये 8 मैं इसमें डालती हूँ, और मैंने उतने ही बैंगल लिए थे तो ये बचे हुए मेरे 9 बैंगल ही हैं, और ये 9 बैंगल को मैं इसमें डालती हूँ। ये डालने के बाद यहाँ तो गेम कंप्लीट हो जाता है। अब हम उस पर्सन की स्कोरिंग करेंगे कि उन्होंने सही किया कि नहीं। तो ये जो ग्लास बैंगल रखे हुए, इस पे ये ग्लास को मैं ऐसे सीधा कर करके यहाँ पर रख देती हूँ, उस बैंगल पर ये ऐसे मैं ग्लास करके रख देती हूँ। ये कम्प्लीटली लक गेम है फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे आपको मैं क्लोज़अप करके दिखाती हूँ, ये ग्लास में मैंने, ये एक ग्लास मैंने नहीं सीधा किया, ये ग्लास में मैंने नंबर लिख रखे हैं 1 to 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये जो 9th नंबर वाला ग्लास है, एक ग्लास में मैंने स्टार बनाया है। तो क्या इसका यूज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो ग्लास का नंबर है उस ग्लास में उतने बैंगल है कि नहीं। तो यहाँ 1 ग्लास है, बैंगल 3 है, यानी उतने ग्लास नहीं है। यहाँ पे नंबर 5 है और बैंगल 1 है, ये 2 है, इसमें भी बैंगल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। ये 6 नंबर का ग्लास है, बैंगल कम दिख रहे हैं, ये 8 नंबर है और इसमें बैंगल हमारे 4 ही हैं। ये 4 नंबर का ग्लास है और इसमें हमारे बैंगल है 2, 4, 6 ही बैंगल हैं। अच्छा, ये स्टार वाला मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 3 नंबर वाले ग्लास में भी बहुत सारे बैंगल्स हैं, और ये 7 नंबर वाला ग्लास जो है उसमें देखती हूँ मैं 7 बैंगल है या कम है, ज़्यादा है, 3, 3, 6, 7, 8 बैंगल है ये, तो ये भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा कोई भी ग्लास का नंबर ऐसा नहीं था जिसमें उतने ही बैंगल मिले हो, इसीलिए इसमें से कोई भी बैंगल हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन ये जो स्पेशल ग्लास मैंने स्टार वाला बनाया है फ्रेंड्स, ये ग्लास में जितने भी बैंगल होंगे वो उस मेंबर के हर हालत में काउंट होंगे ही होंगे। और इसमें से अगर कोई ग्लास होता जिसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसमें उतने ही बैंगल डाले होते तो वो बैंगल भी हम लोग काउंटिंग में ले लेते। तो यहाँ पे स्टार वाले में हमारे हैं 3, 3, 6 एंड 7 बैंगल, तो अभी स्कोर हो जाएगा 7। इसी तरह से मेंबर खेलेंगे, अगर उनके नंबर वाले ग्लास के नंबर बैंगल के सेम होते तो वो बैंगल भी इसमें हम रखेंगे काउंटिंग के लिए, और स्टार वाले ग्लास में जितने भी बैंगल होंगे वो भी हम काउंटिंग में लेंगे, और जिसके सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बैंगल लिए होंगे, वो ही इस गेम के विनर होंगे। थैंक यू गाइस।